वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कंपैरिजन, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। वो भी किसका? तो वो है पिज्जा हट का मार्गरेटा पिज्जा और डोमिनोज का मार्गरेटा पिज्जा। तो हम उसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं आज, इसी में है दोनों पिज्जा। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जरा, इसी के अंदर हमने दोनों डाल दिए फिलहाल तो, लेकिन जो डोमिनोज का मैंने मंगाया था डोमिनोज की ऐप से मंगवाया था, तो वो जल्दी आ गया था, 20 मिनट में आ गया था सिर्फ। और ये वाला जोमेटो से मंगाया था, इसको 35 मिनट्स लगे पिज्जा हट वाले को। और पिज्ज़ा हट वाला इस बॉक्स में आया है, और डोमिनोज में अलग से ऑप्शन दे रहे थे कि 10 रुपीज़ करके कुछ कैरी बैग, तो मैं तो डिलीवरी मंगवाया था, मुझे कैरी बैग की क्या ज़रूरत है। और बाकी पिज्ज़ा हट में डिफ़ॉल्ट जोमेटो से मंगाया तो यही आया है, अगर उनकी ऐप से मंगाते तो मे बी वहाँ भी शायद कैरी बैग का ऑप्शन होता, तो आप में से किसी को पता है बता देना। ये देखो ये ठंडा हो गया था, मैंने इसके ऊपर रख दिया, दोनों गर्म हो गए। हाँ, क्योंकि काफ़ी 10-15 मिनट का डिफरेंस है ना आने में। तो इसके साथ देखो, इसके साथ ही पिज्ज़ा हट वाले के साथ, मुझे पिज्ज़ा हट का डब्बा काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं डोमिनोज से अलग पहली बार देख रहा हूँ इसलिए। मुझे भी। तो इसके साथ ये ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स मिले हैं, तो एक है, इटालियन सीजनिंग लिखा है और एक पे चिली फ्लेक्स है, और इसमें सारे के सारे ही ओरिगेनो मिले हैं और कुछ नहीं मिला है, लगता है उनसे जो देने आए थे उन्होंने सिर्फ भूल गए। लुक्स डिलीशियस, वाओ, ये ओपन करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। लुक्स सुपर डिलीशियस। ये वाला है पिज्जा हट का और काफी ज्यादा चीजी और लग रहा है पूरा। और ये डोमिनोज का, ये थोड़ा चीज इसकी जो है वो है टाइट है। अच्छा टाइट है, थोड़ा टाइम हो गया थोड़ा, इस बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अब हम डालेंगे ओरिगैनो सीजनिंग दोनों पे। परंपरा परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। इसमें बड़ी कम थी इटालियन सीजनिंग। तो गाइस पिज्जा हट के में जो इटालियन सीजनिंग थी वो काफ़ी कम थी कंपेयरिंग टू दिस वन, पता नहीं क्यों। इसका जूस ही कर गए थोड़ी सी, और इसका मुझे आधा आधा डालना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा है ही नहीं हमारे पास। सो गाइस डोमिनोज वाला है हमारा 109 रुपीज़ का, जो कि हमने उन्हीं के ऐप से मंगाया है, और ये वाला वैसे है 129 का पिज्जा हट के ऐप से, लेकिन हम जोमेटो से मंगवाया है तो हमें 159 का पड़ा। पिज्जा हट का जो प्राइस था, मतलब पिज्जा हट वाले पिज्जा का जोमेटो पे जो प्राइस था वो था 159 रुपीज़, लेकिन इनके अगर खुद के ऐप पे देखोगे तो वो है इनका 129 रुपीज़। टेस्ट करते हैं हम लोग, पहले कौन सा, पहले यही लेती हूँ। सबसे पहले अब हिमांशी जो पिज्जा टेस्ट करने जा रही है वो अपना डोमिनोज वाला मार्गरीटा, जो हम पहले भी 2-3 बार खा चुके हैं। यस पास से, तो अभी खाते हैं। सस्ते ASMR। नॉर्मल टेस्ट, खट्टा वाला। खट्टा वाला? खट्टा खट्टा ही आता है इसमें टेस्ट। नहीं ये तू ही रख, मैं अपने दूंगा। बहुत चालू। फिर तो धोखाधड़ी करती है मेरे साथ। इसमें कोई चीजी फ्लेवर नहीं आ रहा है। वही डोमिनेटिंग फ्लेवर जो है थोड़ा टैंगी सा आ रहा है, जो कि ये सॉस लगाते टोमेटो वाली उसकी वजह से, और बाकी चीज ही नहीं लग रहा बहुत ज्यादा। हाँ ऐसे लग रहा है जैसे बटर डाल रखा हो हल्का सा, है ना, च्यूई है काफी, च्यूई है काफी, वो बेस की वजह से च्यूई है। वही रेड वाला वही रेड वाली टोमेटो वाली सॉस जो मैं बता रहा था वही लगा रखी है इन्होंने पिज्जा के बीच में। गाइस अभी भैया ने खाते खाते पिज्जा के स्लाइस को माइक बना लिया था, और माइक को खाने वाले ने माइक पे बोल रहा पिज्जा में बोल, पिज्जा में बोल रहा था और माइक को खाने वाला था। मुझे पानी दो ताकि टेस्ट चेंज हो। यस, क्योंकि फेयर कंपैरिजन, मतलब उसका टेस्ट ना रह जाए मुंह में, तो इसका देखते हैं। सो अब हम टेस्ट करेंगे पिज्जा हट का। तो अब पिज्जा हट का हिमांशी लेने वाली एक स्लाइस, और हमेशा की तरह सबसे बड़ा स्लाइस पे हाथ मारा है इसने। नहीं नहीं मैं दो निकाल रही हूं। अच्छा सीधे दो निकाल रही है ताकि मौका ही ना मिले। अच्छा मुझे दे रही है, थैंक यू। तो इसने आपकी मेरे बारे में भी सोचा। और ये वाला थोड़ा गर्म है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट आया एकदम। अरे इसका बेस बड़ा सॉफ्ट है। हाँ ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसका बेस बहुत अच्छा लग रहा है यार, सॉफ्ट एकदम। नीचे से देख लो आप किस तरीके का है, ऐसा है, और साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है, और ऊपर से टॉप से ऐसा है, और बेस इसका बहुत सॉफ्ट है। लेट्स टेस्ट। वो हल्की सी ना मिल्की टाइप की खुशबू, मिल्की। हाँ चीयर्स। चीयर्स। सो सॉफ्ट, डिफरेंट सा टेस्ट है भाई, जो भी बहुत सॉफ्ट है। मैं भी वही टैंगीनेस वाली सॉस, देखो टैंगी वाली सॉस जो टोमेटो की रहती है वो इसमें भी लगी है। हाँ। पूरी ऊपर से देखी हुई रही है बल्कि, और इनका लेकिन बेस काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट बना है एकदम, अच्छा लग रहा है। और बाकी ऊपर वाली जो चीज़ है थोड़ी सी अलग लग रही है डोमिनोज वाली से, थोड़ी सॉफ्ट है चीज़ भी, मतलब इनका सॉफ्टनेस पे ज़्यादा है। और इसका जो टेस्ट है वो हल्का सा इसमें गार्लिक का भी टेस्ट आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आ रहा है ना। मतलब इनको अभी तक गार्लिक का टेस्ट ही समझ नहीं आया जब मैंने बोला था, मैं मुँह में अभी आया ना, बाकी है तो टेस्टी, उल्टा ही ज़्यादा सॉफ्ट से ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, पता नहीं क्यों।
है ना। हाँ तो गाइस इन कंक्लूजन खा के बहुत अच्छा लगा, तो अब मैं बताना चाहूँगा जो पिज़्ज़ा हट का बेस दिया है इन्होंने, काफ़ी फ्लफी है, काफ़ी सॉफ्ट है, इसकी चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब खा रहे थे सॉफ्ट लग रही थी, वो मे बी बिकॉज हो सकता है। देखो हर बार इसको भी मतलब कई बार गर्म खा चुके हैं लेकिन थोड़ा टाइट टाइप, थोड़ा हमेशा टाइट टाइप का रहता है जो इसके ऊपर की चीज़ रहती है ना, जैसे भी ये बेक करते हो जो भी करते हो, पर ये वाला सॉफ्ट है। अभी भी देखो दबा के देखो तो अंदर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, कितना अच्छा लग रहा है, और ये हार्ड है। तो अभिमांशी की राय पूछते हैं इस पे। मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट में भी ज्यादा फर्क नहीं है, बस उसमें हल्का सा गार्लिक का टेस्ट आ रहा है और वो थोड़ा, हाँ उनकी टोमेटो सॉस में शायद गार्लिक भी मिक्स है इसलिए गार्लिक का भी आ रहा है, तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है और वो थोड़ा सॉफ्ट है इसलिए ज्यादा टेस्टी लग रहा है, ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो पिज्जा हट को अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो मैं पहले डोमिनोज को दे देते हैं, डोमिनोज को मैं दूंगा 10 में से 7, पिज्जा हट को मैं दूंगा 10 में से 8, मैं 8.5, मुझे थोड़ा अच्छा लगा दादा ही। इसको 7 मेरी तरफ से डोमिनोज को और पिज़्ज़ा हट वाले को मेरी तरफ से 8। हाँ तो ये हो गया फाइनल कंपैरिजन, और हाँ ये उससे 20 रुपीज़ महंगा भी है अगर आप वहीं जाके लेते हो या इनके ऐप से मंगवाते हो, तो उस हिसाब से लगभग प्राइस सेम है, 20 रुपये का फर्क है, तो देख लेना। और हमने बता दिया पिज़्ज़ा हट वाला ज़्यादा बेटर लगा, काफ़ी टाइम से डोमिनोज का खा रहे थे, नया ट्राई करने को मिला तो काफ़ी अच्छा लगा हमें भी। वो खा चुके हो ना, अब इसकी एक बाइट लो पहले। टोमेटो का स्वाद आया वो किसी चीज से मैच करता है जो मम्मी बनाती हैं, चटनी टमाटर की, है ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट लग रहा है। मैंने एक नई डिस्कवरी करी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन? तो गाइस हमने आपको प्राइस बता दी है, इनका रेटिंग बता दी, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें बता देना, और आगे एक और कंपैरिजन हमने सोच रखा है वो भी जल्दी करेंगे, पर उससे पहले भी कई वीडियोस आनी है बाकी हैं भी, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अरे भाई दोनों धोखा, भाई भाग गई गाइस, चलो ये तो भाग गया, मैं भी चलता हूँ नहीं तो सही भी खा जाएगी।